तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। देखिए, लगातार आईपीएल की जानकारी, दिलचस्प टॉपिक, अलग अलग तरीके के टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और अब जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, इसका सवाल जो है ना, वो हर किसी के जहन में होगा। हर कोई ये जरूर जानना चाहता है कि भाई आईपीएल 2024 में, क्योंकि 2023 तो निकल गया और कई सारे सवाल भी 2023 में खड़े हुए, लेकिन 2024 में जो 10 टीमें हैं, उन 10 टीमों के ओपनर कौन होंगे? क्योंकि ओपनर के कई सारी टीमों पर सवाल थे, जैसे पंजाब की ओपनिंग पे सवाल थे, सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग पे भी सवाल खड़े हुए, उसके बाद में केकेआर की ओपनिंग पर सवाल खड़े हुए, मुंबई में भी मामला गड़बड़ नजर आ रहा है, लखनऊ में भी मामला गड़बड़ नजर आ रहा है, दिल्ली में भी मामला गड़बड़ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कई सारी टीमें ऐसी हैं, सनराइजर्स हैदराबाद में भी मामला गड़बड़ नजर आ रहा, तो कई सारी टीमें ऐसी हैं जिन टीमों के ओपनर अभी सेटलमेंट नहीं है, जिन टीमों के ओपनर का अभी पता नहीं है कि क्या हो सकता है। तो लेकिन आईपीएल 2024 में क्या होना चाहिए उन टीमों के साथ, उन टीमों के ओपनर क्या क्या हो सकते हैं, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस वीडियो में। आईपीएल ओपनर पेयर आईपीएल 2024 को लेकर मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या ऑप्शन, भी बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं अगर वो टीमें बदलाव करेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस से। देखिए, मुंबई के पास रोहित और ईशान किशन ओपनर के तौर पर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेविस का इस्तेमाल ऑप्शन के तौर पर इनको करना चाहिए ओपनर के तौर पर। मेरा ऐसा मानना है कि ब्रेविस को अगर आप ऊपरी क्रम पर खिलाएंगे पावर प्ले में, तो मेरे हिसाब से ब्रेविस बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्रेविस को ऊपर खिलाना चाहिए। मैं तो बड़ा हैरान था कि 2023 में ब्रेविस को एक भी मैच नहीं खिला। मैं बड़ा हैरान हूं कि यार, ब्रेविस जैसे खिलाड़ी को आप एक भी मैच नहीं खिला रहे, आप उसके करियर को बर्बाद कर देंगे। इस खिलाड़ी का तो मैदान पर खिलाने वाला खिलाड़ी है, ये बैठाने वाला खिलाड़ी नहीं है। अगर आपको नहीं खिलाना है तो रिलीज कर दीजिए, कोई दूसरी टीम खिला लेगी, लेकिन ब्रेविस जैसा खिलाड़ी बैठाने वाला नहीं है। मेरा मानना है कि अगर मुंबई का सेटलमेंट बिगड़ रहा है, तो ब्रेविस जैसे खिलाड़ी को आप ऊपरी क्रम पर खिला सकते हैं, ओपनर भी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बेहतर फैसला होगा। ब्रेविस बहुत धुआंधार और अच्छे खिलाड़ी हैं। उसके बाद में चेन्नई सुपर किंग्स का, देखिए चेन्नई सुपर किंग्स में फिक्स है डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़, इसमें कोई बदलाव भी नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों खिलाड़ी बहुत बढ़िया हैं और ओपनर के तौर पर कोई ज़्यादा बदलाव चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं होना चाहिए। दोनों बढ़िया खेल रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं, दोनों बेहतर बल्लेबाज हैं और कमाल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर एलएसजी, राहुल और मेयर, काइल मेयर्स। देखिए, क्या राहुल हालांकि 2023 में सवाल खड़े हुए, उस तरीके का नहीं खेल पाए, चोटिल भी हो गए, वापस चले गए, फिर कुंटन डिकोक वापस आए थे, तो जाहिर तौर पर राहुल जब 2024 में आएंगे तो ओपनर के तौर पर वापस आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ जो है ना, वो काइल मेयर्स के साथ जाएगी, क्योंकि काइल मेयर्स ने 2023 में अच्छी बल्लेबाजी की है और अच्छा साथ दिया था लखनऊ का, तो मेरे हिसाब से काइल मेयर्स के पीछे जाएगी। वैसे डिकोक इनके पास ऑप्शन है, अगर पता नहीं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डिकोक को लखनऊ छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर लखनऊ डिकोक को छोड़ेगी तो बहुत सारी टीमें डिकोक के पीछे जा सकती हैं, बहुत सारी टीमें जा सकती हैं। मैं तो बोलता हूं कि मुंबई को भी ऑप्शन है डिकोक को लेने का, मुंबई के पास भी ऑप्शन है डिकोक को लेने का। अगर लखनऊ छोड़ती है तो मुंबई डिकोक को ले सकती है, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो जो पार्टनरशिप पहले बनती थी ना डिकोक और रोहित की, वो पार्टनरशिप दोबारा से बन जाएगी, वो जोड़ी दोबारा से बन जाएगी, और मेरे हिसाब से मुंबई के लिए भी फायदेमंद हो सकता है कि अगर डिकोक को वापस ले लें मुंबई वाले। तो ये लखनऊ का मेरे हिसाब से राहुल और मेयर ही रहेंगे, इसमें कोई ज्यादा बदलाव मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली कैपिटल, यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, दिल्ली कैपिटल के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं। पृथ्वी शो को मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो आने वाले भविष्य का स्टार है, और अगर छोड़ दिया तो बहुत सारी टीमें पृथ्वी शो को पकड़ लेंगी और शायद दिल्ली कैपिटल को फिर इस तरीके का इंडियन ओपनर ना मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी शो को दिल्ली नहीं छोड़ेगी, पृथ्वी शो को दिल्ली नहीं छोड़ेगी, लेकिन दिल्ली को फिर एक विदेशी ओपनर चाहिए। तो फिल सॉल्ट हालांकि इनके पास है, इनके पास सॉल्ट है, लेकिन डेविड वॉर्नर को लेकर खबर यह है कि शायद डेविड वॉर्नर को छोड़ा जाएगा, तो पृथ्वी शॉ फिल सॉल्ट हो सकता है कि ये ओपनिंग पेयर आपको नजर आए दिल्ली कैपिटल। तो दिल्ली में पृथ्वी शॉ के साथ सॉल्ट ही मुझे नजर आ रहे हैं, हालांकि मुझे लग रहा है कि डेविड वॉर्नर को बाहर भगा देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल किसी एक ओपनर को तलाश जरूर करेगी, विदेशी ओपनर को तलाश जरूर करेगी दिल्ली कैपिटल। देखिए, कुंटन डिकोक को लेने का तो फायदा नहीं है दिल्ली को, क्योंकि कुंटन डिकोक जो है वो विकेट कीपर बल्लेबाज है, और विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत ऑलरेडी रहने वाले हैं,
बल्लेबाज के तौर पर अगर क्विंटन डिकॉक को लें तो मेरे हिसाब से फायदेमंद है, लेकिन कई सारे ओपनर हैं जिनके पीछे दिल्ली कैपिटल जा सकती है। जैसे आप विदेशी ओपनर के तौर पर क्रिस लिन के पीछे चले जाएं, आप जोनी बेरस्टो के पीछे जा सकते हैं, आप मयंक अग्रवाल, हो सकता है कि रिलीज हो जाए वहां से तो मयंक अग्रवाल को आप ले लेना, आप हैरी ब्रुक्स को ले सकते हैं। तो कई सारे खिलाड़ी आएंगे पूल में आएंगे, तो उन खिलाड़ियों को आप टारगेट कर सकते हैं। तो दिल्ली कैपिटल के पास ये ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद में आरसीबी का फिक्स है, विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस, आरसीबी का फिक्स है, एक दो तीन सालों तक तो फिक्स है, क्योंकि विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस तीन चार सालों तक कहीं नहीं जा रहे हैं, तो ये तीन चार सालों तक तो दोनों मुझे ऐसा लगता है फिक्स है, ये कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद में बात गुजरात की करता हूं, तो गुजरात में शुभमन गिल फिक्स है, शुभमन गिल अगर कहीं नहीं जाने वाले, शुभमन गिल फिक्स है, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर कैप्टन भी है गुजरात के शुभमन गिल, मेरा ऐसा मानना है, शुभमन गिल हार्दिक के बाद मेरे हिसाब से शुभमन गिल ही फ्यूचर कैप्टन है गुजरात के। उसके बाद में रिद्धिमान शाह का इनको तलाशना पड़ेगा ऑप्शन, अब रिद्धिमान शाह भी वैसे एक दो साल है, लेकिन एक दो सालों के अंदर अंदर कोई एक ऑप्शन इनको इंडियन तलाशना पड़ेगा मेरे हिसाब से, इंडियन ऑप्शन, क्योंकि इनके चार विदेशी खिलाड़ी भी फिक्स हैं, जैसे इनके मिलर हैं, राशिद खान हैं, दो नूर अहमद मेरे हिसाब से इनके साथ अब लंबे वक्त तक चलेंगे, एक विदेशी कोई तेज गेंदबाज होता है, तो बल्लेबाज के तौर पर ये कोई इंडियन ही तलाशेंगे आप, मेरे हिसाब से देवदत्त पडिक्कल के तौर पर ये जा सकते हैं, देवदत्त पडिक्कल अच्छे हैं, पृथ्वी शो अगर बाहर निकलेंगे तो पृथ्वी शो जैसे खिलाड़ी पर भी ये जा सकते हैं, ये मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ी पर भी जा सकते हैं, ये कई इंडियन खिलाड़ी आने वाले हैं पूल में, ये उन तरीके से उन खिलाड़ियों के पीछे जा सकते हैं गुजरात वाले। राजस्थान का भी फिक्स है, राजस्थान तो बटलर और जायसवाल ये दोनों फिक्स है, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, राजस्थान में भी दोनों जो ओपनर हैं ये फिक्स हैं, ये भी कुछ नहीं बदलाव, राजस्थान में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उसके बाद में केकेआर में तो भाई बड़ा बदलाव हो सकता है, केकेआर में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केकेआर वालों को पिछले दो तीन सालों से ओपनर नहीं मिला है, पिछले दो तीन सालों से केकेआर को ओपनर मिला ही नहीं है, तो केकेआर में मुझे लगता है जेसन रॉय तो 2024 में रहेंगे, एक छोर पर जेसन रॉय रहेंगे, दूसरे छोर पर कौन आएगा ये देखने वाली बात होगी। अब वो लाइन में कौन कौन है, लाइन में है क्विंटन डिकॉक, क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर भी हैं, अच्छे खिलाड़ी भी हैं, बल्लेबाज भी ओपनर हैं, तो क्विंटन डिकॉक केकेआर को बड़ा शूट करेंगे, देवदत्त पडिक्कल केकेआर को बड़ा अच्छा शूट करेंगे, उसके बाद में जोनी बेरस्टो केकेआर को बड़ा अच्छा शूट करेंगे, जोनी बेरस्टो भी केकेआर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ये तीन चार ओपनर ऐसे हैं केकेआर के लिए जो शूट करेंगे। क्रिस लिन मैं तो मानता हूं कि बहुत धुआंधार ओपनर है, क्रिस लिन जैसा बल्लेबाज केकेआर को शूट कर सकता है, लेकिन वो मामला विदेशी देशी विदेशी का फंस जाता है। अगर विदेशी के तौर पर केकेआर जाएगी तो सबसे पहले क्विंटन डिकॉक के पीछे जाएगी, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि विकेट कीपर भी मिल जाएगा और ओपनर भी मिल जाएगा, अच्छा सदा हुआ बल्लेबाज मिल जाएगा। तो अगर विदेशी खिलाड़ी के पीछे जाना होगा, केकेआर का प्लान होगा, तो सबसे पहले क्विंटन डिकॉक या जोनी बेरस्टो, इन दोनों में से किसी एक के पीछे जाएगी, दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज है। उसके बाद में एसआरएच का मामला भी डामाडोल है, एसआरएच का मामला भी डामाडोल है, अभिषेक शर्मा एक छोर पर है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन दूसरे छोर पर कौन होगा ये पता नहीं। अब जोनी बेरस्टो उनके पुराने खिलाड़ी हैं, हो सकता है जोनी बेरस्टो के पीछे चले जाएं, क्विंटन डिकॉक के पीछे भी एसआरएच जा सकती है, क्विंटन डिकॉक भी अच्छे खिलाड़ी हैं। उसके बाद में देवदत्त पडिक्कल जैसे खिलाड़ी के पीछे भी जा सकती है एसआरएच, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, तो कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एसआरएच को भी जब आएंगे पूल में आएंगे और जब ऑक्शन होगा, तो कई सारे ऑप्शन एसआरएच, क्योंकि एसआरएच के पास भी ओपनर फिक्स नहीं है, एसआरएच का मामला भी डामाडोल है, एसआरएच के लिए भी बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। उसके बाद में पंजाब का मामला भी डामाडोल है, पंजाब के ओपनर भी उस तरीके के फिक्स नहीं नजर आ रहे हैं, धवन जरूर है लेकिन दूसरे छोर पर कौन होगा, मुझे लगता है धवन तो नहीं जाएंगे, लेकिन धवन के साथ कौन होगा ये बड़ा सवाल पंजाब के लिए भी है। शायद देखिए इंडियन ओपनर के पीछे जाएगी पंजाब भी, ये भी सीधी सीधी सी बात है, पंजाब देवदत्त पडिक्कल के पीछे बाहर आते हैं तो पृथ्वी शो के पीछे जा सकती है पंजाब, तो ऐसे कुछ खिलाड़ियों के पीछे पंजाब भी जा सकते हैं। विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर अगर मेरा मानना है तो डिकॉक और बेरस्टो के पीछे भी पंजाब जा सकती है, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, बाकी क्रिस लिन जैसे बल्लेबाज के पीछे भी पंजाब जा सकती है, और बहुत सारे ओपनर आएंगे जैसे पॉल स्टर्लिंग आएंगे मोटे वाले जो हैं उनके पीछे भी जा सकती है, बहुत सारे ओपनर वेस्टइंडीज के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, वो शे होप वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके पीछे भी बहुत सारी टीमें जा सकती हैं, तो ओपनर के तौर पर बहुत सारी टीमें आएंगी। ट्रेविस हेड ओपनिंग भी कर सकते हैं, हालांकि वो हमने निचले डाउन पर ही देखे हैं खेलते हुए, लेकिन वो ऊपरी क्रम पर भी खेल सकते हैं ट्रेविस हेड, ऐसे बल्लेबाज के पीछे भी बहुत सारी टीमें जा सकती हैं, तो तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारी टीमों के ओपनर अभी सेट नहीं है। जैसे सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है
कि लखनऊ का मामला थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिको को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली के ऊपर सबसे पहला सवाल है, दिल्ली के बाद केकेआर के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है, एसआरएच और पंजाब, ये तीन चार टीमें ऐसी हैं जिनके ओपनर्स के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। तो आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, पंजाब, एसआरएच, केकेआर और दिल्ली, इन चारों टीमों के ओपनर आपके हिसाब से कैसे पेयर बनेगा, कौन कौन होंगे, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के डिफरेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।